जब छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है कि मम्मी मम्मी भूख लगी। जब वो एडल्ट बन जाता है तो या तो वो शांति से खाना खाते हैं या वो बच्चे बन जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को कैसे इंडिकेशन आता है कि आपको भूख लगी है? शुरुआत होती है ये हॉर्मोन से। ग्रेलिन नाम के हॉर्मोन से आपको लगती है भूख। ये आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करते हैं जो प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक पे। फिर ये ब्रेन को बताता है कि अभी समय है खाने का। बॉडी में GI यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रहता है जो कि एक स्मूथ मसल सिस्टम है जिसमें कई हॉलो ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये ट्रैक्ट आपके माउथ से एनस तक रन करता है। अब इस ट्रैक्ट में गैसेस और फ्लूइड्स टाइम टू टाइम पास होते रहते हैं। तो जब आपके पेट में चूहे कबड्डी खेलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस हॉलो ट्यूब्स में गैसेस और फ्लूइड्स पास होते हैं वो एम्प्टी हैं। इसीलिए आपका पेट आवाज करता है। अब खाने के बाद इसको सबसाइड करने के लिए होता है लेप्टिन। लेप्टिन हॉर्मोन्स एडिपोस नाम के टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। ये हॉर्मोन आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है। ये दोनों हॉर्मोन्स को ब्रेन के हिस्से यानी कि हाइपोथैलेमस में भेजा जाता है। अब ये हिस्सा बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास, नींद और कई बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि ग्रेनुलिन लेवल्स हाई हैं, तो फिर वो सिग्नल्स देता है लेप्टिन हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। अब इस प्रोसेस को कहते हैं होमियोस्टेसिस। जब आपको भी भूख लगती है तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।